सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरे को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 146 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 146 वचन 1 से आइए देखिए। याह की स्तुति हो, याह की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमेन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि याह की स्तुति करो, यानी उस परमेश्वर की स्तुति करो, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर सृष्टि कर्ता की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। यह परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे मेरे मन उस यहोवा की स्तुति करो, उस परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे मन तू उस परमेश्वर की स्तुति कर कि जिसने सृष्टि, जिसने आकाश, जिसने इस पृथ्वी को रच दिया है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रच दिया है। वचन कहती है कि उसकी स्तुति करो। यह प्रभु का दास जो दाऊद है, वो भजन के माध्यम से वो परमेश्वर की स्तुति की बातों को हमें बता रहा है और बताते हुए अपने मन को कह रहा है, हे मन तुम उस यहोवा की स्तुति कर। कहता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, संपूर्ण जीवन उसकी स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। और दाऊद कह रहा है कि जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं उस परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, तुम प्रधानों पर, शास्त्री फरीसी जो विद्वान बनते हैं, जो अपने आप में धर्मी बनते हैं। कहता है कि इस संसार के लोगों के ऊपर कभी भरोसा न करना, न किसी आदमी पर भरोसा रखना। कहता है तुम प्रधानों पे भरोसा न रखना, ना ही किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वचन कहती है कि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है, वो उद्धार तुम्हारे नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रधान, ना ही कोई याजक, ना ही कोई शास्त्री फरीसी, ना ही कोई विद्वान पंडित तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, ना ही कोई आदमी तुम्हारा उद्धार कर सकता। इसलिए कहता कि तुम इन पे भरोसा न करना। तो उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वह भी मरने वाला है।
जो खुद मरने वाला है वह तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकता है? क्योंकि उद्धार वही कर सकता है जो अनंत काल का जीविता है। इसलिए वचन कहती है, किसी प्रधानों पे भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। उसकी जितनी कल्पना है उसी दिन क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। क्या ये धन्य है वह व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है? क्या ये धन्य है वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसका सहायता करने वाला वह स्वर्ग का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर होता है। वो जो याकूब, परमेश्वर का दास अब्राहम, इसहाक और याकूब, उन लोगों का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे। इसलिए कहता है कि वह मनुष्य धन्य है कि जो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। कहता है, तुम उस परमेश्वर के सिवा किसी मनुष्य के ऊपर, प्रधानों के ऊपर भरोसा न करना, क्योंकि उसमें उद्धार की शक्ति नहीं है, क्योंकि वे भी मर जाएंगे, वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए कहता है कि तुम उस परमेश्वर की स्तुति करना, उसी यहोवा की स्तुति करना, और संपूर्ण जीवन उसकी स्तुति, आराधना, उसके नाम की महिमा, उसका धन्यवाद करना। मेरे प्रियो, जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसकी महिमा, उसका आदर, उसका धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति करने में, उसको धन्यवाद देने में, उसकी महिमा करने में लगा रहता है, वह स्वर्ग का परमेश्वर उसके ऊपर वह स्वर्ग की आशीषें प्रकट करता है और उसके सर पे जीवन का मुकुट बांधता है। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हरेक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर जरूर है कि आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हरे को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हरे को दिया है, आज पूरे दिन हरे को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हरे को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा सामर्थ्य उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आँखों की परेशानियाँ तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रवेशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ के हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रवेशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए, प्रवेशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजुलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए, प्रवेशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। मान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूँ। कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियाँ आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पर हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पर आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बने रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हमको।